पहली फॉर्मूला हुई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला थी v इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और दूसरी हमने अभी अभी बनाई थी, कौन सी फॉर्मूला? इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। गॉट इट? किसी को डाउट यहां तक? नो अब ध्यान से देखो, ध्यान हुआ। मैं एक सम तुम्हें करवाता हूं। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल is given by x is equal to t square plus 5t minus 2. Find velocity at t is equal to 3 second. Nadia? पोजीशन तुम्हें दी हुई है, पोजीशन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। फाइंड करना है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी हमने पूछी हुई है यहाँ पे? एवरेज पूछा है कि इंस्टेंट पूछा है? इंस्टेंट से पता चला इंस्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो फॉर्म नाम लगाएंगे वी इज इक्वल टू वी इज तो पता कैसे चला इंस्टेंट है? क्योंकि एक ही टाइम दिया है। देख, एवरेज के लिए हमेशा कितने टाइम देने पड़ते हैं? 2 टाइम भी, यहां से दो यहां टाइम एवरेज। और इंस्टेंट के लिए एक टाइम से पता चल जाता है, अभी इसी टाइम पे फाइंड करना है, इसलिए वो इंस्टेंट। गॉट इट? अब इसमें वैल्यू यस सर। डाल, वी इज इक्वल टू डी बाय डी टी सेम, एक्स की जगह पुट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो मुझे बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू टी प्लस प्लस 5 × 1 − 0। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। पता चला 2t + 5 कैसे आया? एवरीवन क्लियर? यस सर। अब इसमें यस सर। टाइम की जगह डालेंगे 3। यस सर। 2 × 6 + 5 ये कितना आएगा? 11 m/s। समझ में आई बेटा बात? यस सर। अगर इसमें बोला होता फाइंड एवरेज फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 to t = 3 सेकेंड, अब बोला है कि समझो इसी इक्वेशन में एवरेज फाइंड करो, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x2 − x1 upon t − x1 upon t2 − t1। अब वैल्यू पुट कर देंगे एक्स टू की जगह, ये पूरी फॉर्मूला डाल देंगे t² + 5t − 2। एक्स वन में भी यही फॉर्मूला डालेंगे t² + 5t − 2 अपॉन t² − t1। ठीक है सर, हम दोनों जगह डिस्टेंस सेम क्यों डाल रहे हैं? t2 लिखेंगे या लिखेंगे t1 क्योंकि एक्स तो वही ले रहे हैं हम लोग, पोजिशन तो वही है। फिर टी टू में कितना डालेंगे? 3 डालेंगे, 3² + 5 × 3 − 2 − 0 − 2। गॉट इट? तो 3² 9 9 15 माइनस टू माइनस टू प्लस 9 + 15 = 24/3 24/3
एट तो देखो एवरेज 8 आया पर इंस्टेंट 11 था. समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सर. कोई डाउट? तो डिस्टेंस सेम क्यों दिया वो समझ नहीं आया. एक्स तो एक ही दिया हुआ ना, एक्स दिया ही एक ही है ना, सेम कहाँ दिया? एक्स जो दिया हम वही लेंगे ना. हाँ सर, एक मिनट देखो अभी इसको मैं लेफ्ट राइट वाले को भी हम सॉल्व करते हैं. पहले पहले वाला मैं मिटा देता हूँ. यहाँ पहले हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें x की जगह डाल देंगे ये वैल्यू 4t³ - 5t² + 8t + 5. तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 12t² - 10t + 8. 5 का तो 0 हो जाएगा. फिर t की वैल्यू डालेंगे 3. तो ये हो जाएगा 9 12 = 108 - 30 + 8. तो 108 116 - 30 कितना? 86 आया. 86 यस. ठीक है, फिर हम एवरेज फाइंड करेंगे. एवरेज में एक्स की वैल्यू डालेंगे. डायरेक्ट टाइम डाल देता हूँ 3 सेकंड. तो 4 3³ + 8 × 3 + 5 - 5. क्योंकि जीरो वाला नहीं डालना मैं. 5 तो गया, 3 उड़ा देंगे कॉमन निकाल के. ऊपर बचेगा 4 3² - 9 - 5 × 3 + 8 87. तो 4 9 = 36 - 15 + 8. तो 36 - 15 करेंगे 29 आएगा. 29 आया. देख लो भाई सब अच्छे से, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं.